कमला पावर वुमन अवार्ड कमला अंकी बाई गोवानी ट्रस्ट द्वारा विभिन्न श्रेणियों में भारत में महिलाओं द्वारा किए गए समर्पण और कड़ी मेहनत को सम्मानित करने और सम्मानित करने के लिए एक पहल है महिलाएं आज समाज में बदलाव के मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी हुई हैं और एक बेहतर दुनिया के लिए क्रांति ला रही हैं। यह कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी है कि इन महिलाओं को सम्मानित किया जाए जो बदलाव लाने बेहतर समाज बनाने और वर्षों से बने कलंक को तोड़ने के लिए अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकल गई हैं। कमला बावर वुमेन अवार्ड्स की परिकल्पना की गई थी और ये अंकी बाई गमंदिरम गोवानी ट्रस्ट की ट्रस्टी निदर्शना गोवानी के दिमाग की उपज है दर्शकों से निदर्शना गोवानी के योगदान में न केवल ट्रस्ट को प्रभावित किया बल्कि पूरे भारत में समाज और कई लोगों के जीवन पर अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा है ये दिल से एक प्रोफेशनिस्ट हैं जो समाज के कल्याण और विकास की दिशा में हर पहल को सावधानी पूर्वक तैयार करती हैं। निदर्शन ग्वानी की एक गहरी संस्कृति है जो समाज के कल्याण के लिए अतिरिक्त मील जाकर उनकी मजबूत यात्रा की दिशा में महत्वपूर्ण रही है समाज के प्रति उनके काम को समाज के विभिन्न वर्गों प्रमुख मीडिया घरानों कोपोरेट और सरकारी अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त है ट्रस्ट के तहत विभिन्न परियोजनाओं को तैयार करने करते समय उनके पास परोपकार का चेहरा है कमला पावर वुमन अवार्ड की शुरुआत के साथ निदर्शना गुआनी का उद्देश्य देश की उन महिलाओं को सम्मानित करना पहचानना और सम्मानित करना है जो समाज के नए परिवर्तन निर्माता बनने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर चुकी हैं। इसके साथ उनका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना उन्हें प्रोत्साहित करना और बदलाव और सभी के लिए एक बेहतर समुदाय की दिशा में योगदान देना है निदर्शन गानी के पास अपनी किटी में जोड़ने के लिए कई उपलब्धियां हैं क्योंकि वे समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ती रहती हैं। इस परोपकार का बीज बचपन में ही डाल दिया गया था कम विशेष अधिकार प्राप्त लोगों के लिए काम करने और बदलाव लाने की आग ने उन्हें समाज के वंचित वर्ग के लिए कई पहल करने के लिए प्रेरित किया कमला पावर वुमन समाज में बदलाव की नई युग की महिला बनने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करती है कमला पावर वुमन बाधाओं और कलंक को तोड़कर एक मजबूत समाज के निर्माण में योगदान देने वाले जबरदस्त प्रयास समर्पण और हैंडवर्क को पहचानते हैं पूरे वर्ष के दौरान कमला पावर वुमेन समाज के विभिन्न वर्गों में महिलाओं तक पहुंचते हैं और उनकी सफलता का जश्न मनाते हैं उनकी यात्रा में योगदान करते हैं और उनके योगदान के लिए सम्मानित करते हैं कमला पावर वुमेन पुरस्कार विजेता भारत की वे महिलाएं हैं जो अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर बाधाओं से लड़कर रूढ़ीवादिता को दूर किया और समाज में बदलाव की दिशा में योगदान दिया कमला पवार वुमन को उन्हें और उनके प्रयासों को पहचानते हुए और आपके सामने पेश करते हुए खुशी हो रही है इसी खुशी के आधार पर नई दिल्ली में 15 मार्च 2023 को भारत के आयामों और भौगोलिक सीमाओं से परे 75 असाधारण महिलाओं के साहस और आत्मविश्वास का जश्न मनाते हुए निदर्शना गो, गोवानी द्वारा अंकीबाई गमंदरम कोवानी ट्रस्ट ने अनुकरणीय महिलाओं को पहचानने सम्मानित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कमला पावर वुमन पुरस्कार दो हजार किया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत की पुरस्कार विजेताओं के लिए सम्मान समारोह 14 मार्च 2023 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पंद्रह जनपद नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया और गणमाननीय अतिथों द्वारा कमला पावर वुमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया सम्मानित पुरस्कारों में बालिका शिक्षा महिला स्वास्थ्य संगीत लिंग समावेशन भारतीय संस्कृति और बहुत कुछ श्रेणियों में महिलाओं द्वारा दिखाई गए उत्कृष्टता की मान्यता में प्रदान किया गया ये महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने कंफर्ट जोन और अतिरिक्त मील से आगे जा रही हैं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने की माननीय विदेश राज्य मंत्री और संस्कृत श्रीमती दर्शन जरदोश माननीय रेल और कपड़ा राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल माननीय राज्य मंत्री संसदीय मामले और संस्कृति के जी बालाकृष्णन जी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्रीमती लीला देवी डुकुन डुकुन लुचुमुन माननीय उप प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री तृतीय शिक्षा विज्ञान मॉरिशस सरकार और अन्य गणमान्य व्यक्ति आयोजन के दौरान अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हुए कमला ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंधक निदेशक नि... निदर्शन गोवानी ने कहा महिलाएं आज जीवन के हर क्षेत्र में सफल रही हैं वे मजबूत अनुकरणीय और दृढ़ संकल्प के प्रमुख उदाहरण हैं। आज जिन महिलाओं को हमने सम्मानित किया वे बदलाव की नई युग की महिलाएं हैं और जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा और प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है बाधाओं और कठिनाओ का सामना करने के बावजूद प्रत्येक महिला ने समाज को जो सेवा प्रदान की उससे मैं प्रभावित हूँ उनमें से प्रत्येक ने अपनी सेवा में खड़े होकर जोश से काम किया है मैं उन्हें उनमें से हर एक को उसके योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ समारोह में जिन महिलाओं को सम्मानित किया गया उनमें सबसे पहले आयशा अंसारी को दिया गया और उनके बाद स्वर्गीय सिंधुताई सबकाला जयश्री मालिका हांडा सरिता गायकवाड़ स्वाति पांडे कंगना पल पल्ली राधा देवी दिव्या खंडाल राधिका कुमारी केतकी पंडित मेहता सुधा शर्मा प्रतीक्षा राय वीना नागदा भावना बाफना, शांति राय सारा लखानी शाहिदा परवीण गांगुली अनुपा राग डॉक्टर सीमा राव डॉक्टर नवीना सिंह अपना पुजारी डॉक्टर अनामिका शर्मा मधुता साव रति सिंह निशा भगत जोया अग्रवाल मीरा परिदा दीपिका दि, राभा प्रियंका टिब्रेवाल वेवो वेवो हुलु चुराहा दर्शना शर्मा बरखा सिंह अनन्या पॉल डोडमनी डॉक्टर शिवराधर श्रीवास्तव सरोज गंगाधर वर्के शिजनी कुलकर्णी जोयबी देवी हैई कुरजरुम लिन लेशराम भारती महेंद्र संगोई डॉक्टर संगीता मेहरा पूर्व अनिल कुलकर्णी डॉक्टर स्मृता श्रीवास्तव सुमन शर्मा साधना शंकर स्मिता ठाकरे रशिम और रीमा सुनील जीत कौर चेतना चमोली डॉक्टर दीप्ति शर्मा श्रीकुंज अनीता बिमल श्वेता बसु प्रसाद पूर्णिमा आनंद डॉक्टर दीप्ति अधो डॉक्टर मलिका वर्मा मोनिका तोमर आयुषी राव मुक्ता सिंह रविबाला शर्मा उर्मिला ओसवाल तमन्ना फिरवानी डिम्पल मारवा सानिया मुलानी के की अधिकारी आदि कमला पावर वुमेन ट्रस्ट महिलाओं की सफलता का जश्न मनाती रहेगी और उन्हें एक सशक्त समाज बनाने के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी ट्रस्ट ने प्रेरणा की कहानियों को खोजने और साल दर साल उन्हें सम्मानित करने के लिए एक मान दंड स्थापित किया है